अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी हाँ, आपकी दुआएं रंग ले आई हैं। सिलेबस स्मार्ट हो गया है, FSC का सिलेबस स्मार्ट हो गया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक्या, एक शख्स का जिक्र है कि जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी में रहने वाला बंदा, उठना बैठना दोस्तों के साथ, तो उसने इतना एक उठना बैठना कम कर दिया। तो वो जो उसके साथी थे उनमें से एक उसके घर जो है गया ताकि उसको समझाए, और वहाँ जाके चाय पी। मैं भी बहुत खुश हूँ, आज सिलेबस जो है स्मार्ट हो गया है, इसका जिक्र बाद में करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। बात करेंगे सिलेबस स्मार्ट होने की। ये वो सवाल है जो मुझसे पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत पूछा गया, सर सिलेबस कब स्मार्ट होगा, सिलेबस स्मार्ट होगा या नहीं होगा। और मेरा एक ही जवाब था कि आप दुआ करें और आपका सिलेबस ऑलरेडी स्मार्ट है, चॉइस आपके पास होती है। बच्चों को तसल्ली देने के लिए मैंने वीडियो भी बनाई जिसमें मैंने बताया था कि आप दुआ करें कि आपका सिलेबस स्मार्ट हो जाएगा। तो आपने दुआ की है, आप सिलेबस स्मार्ट हो गया। अब आपने मार्क्स को स्मार्ट नहीं करना, और मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए, मार्क्स में स्मार्टनेस नहीं चाहिए। और आपको अगर ये स्मार्ट सिलेबस चाहिए तो अपने नाम, शहर और क्लास, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के साथ मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो मैं आपको वो सिलेबस सेंड कर दूंगा। तो अब बात चल करते हैं उसकी, कि वो शख्स के पास गया, चाय के कप पिया, तो वहाँ पे अंगीठी में कोयले जल रहे थे। तो उसने क्या किया, उस शख्स ने एक कोयला उठा के जो है साइड पे कर दिया, और बातें करते रहे। और जाते हुए ये कहा कि ये कोयला जो है अब क्या हो गया है, ठंडा हो गया है, अब इसको उठा के दोबारा रख दिया। देखा, अब दोबारा कोयला जो है वो जलना शुरू हो गया, दहकना शुरू हो गया। जाते जाते आराम दे गया, अकेले कोई जिंदगी नहीं है, मिल के रहेंगे तो बात बनेगी। असल में वो कौन था, वो FSC का बच्चा था जो कि सिलेबस स्मार्ट ना होने की वजह से परेशान था, और अकेले इसलिए रह रहा था कि तैयारी कर लेगी। अब सिलेबस स्मार्ट हो गया, आप इंजॉय करें, अपनी सेलिब्रेशन के सेंड करें, अपनी वीडियो बनाएं, अपनी सेलिब्रेशन जो है वो अपलोड करूँगा। सिलेबस स्मार्ट हो गया, यस, आप मजबूर कर रहे हैं, मेरे लिए भी आसानी हो गई है। आगे आराम से स्मार्ट सिलेबस का 9-10 में कर रहे थे, 10-10 में स्मार्ट सिलेबस बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।